أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Dear second year accounting students अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। संडे को कल जो टेस्ट होने जा रहा है, कंपटीशन होने जा रहा है सेकंड ईयर का, उसका टॉपिक है प्यारे बच्चों पार्टनरशिप एडमिशन। एडमिशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और अब हम इसके MCQs आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलें स्टूडेंट शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, पहला MCQ, इक्वल टू बुक वैल्यू ब्रिंग्स। इक्वल टू बुक वैल्यू क्या बताया था आपको पार्टनरशिप एडमिशन में कि बेटा एक पार्टनर को अगर 10,000 लाने हैं और वो 12 ला रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोर देन बुक वैल्यू। 10,000 लाने हैं और अगर वो 7,000 ला रहा है तो लेस देन बुक वैल्यू। 10,000 लाने हैं और वो 10,000 ही ला रहा है, 10,000 लाने हैं और वो 10,000 ही ला रहा है, ना ज्यादा ला रहा है ना कम ला रहा है, ना बोनस आ रहा है या जा रहा है, ना गुडविल रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे केस को कहते हैं इक्वल टू बुक वैल्यू। तो कहता है इक्वल टू बुक वैल्यू ब्रिंग क्या लाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या लाता है। ए में लिखा है बोनस, बी में लिखा है बोनस टू न्यू, बोनस टू ओल्ड या गुडविल या निल। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। जी हाँ, आपका जवाब तमाम स्टूडेंट का बिल्कुल दुरुस्त है कि डी ऑप्शन सही है, कि इसमें कोई भी जवाब नहीं है, ना बोनस है ना गुडविल है। वेरी गुड। नंबर टू, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर ड्यू टू, इंट्रोडक्शन टू न्यू पार्टनर ड्यू टू, नया पार्टनर आता है क्यों। पहला ऑप्शन है नीड टू मोर कैपिटल, बिल्कुल सही ऑप्शन है नीड टू मोर कैपिटल। आगे आइए, दूसरा ऑप्शन है फ्रेश आइडियाज एंड कॉन्टेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक टेलीफोन आ गया है, सॉरी बच्चों एक टेलीफोन आ गया था। हाँ, बात चल रही थी ए सी। एक और है और एक और ऑप्शन है कि ऑब्टेनिंग ऑफ अ स्किल्ड एंड रेप्यूटेबल पर्सन, ये भी सही है। इसमें तो बच्चों सारे ही जवाब सही लग रहे हैं। अगर सारे जवाब सही हो तो इसमें एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सब ठीक है। तो बच्चों सही कहा आपने, इसका जवाब डी है। वेरी गुड। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी सेम, दिस आइडेंटिफिकेशन इज डिफाइंड। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल सेम रहे, चेंज ना हो। बोनस में तो चेंज होता है, या तो बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। लेकिन बोनस टू न्यू पार्टनर, अगर हम बोनस नए पार्टनर को दें तो ओल्ड से निकाल के देंगे, लेकिन वो कह रहा है सेम रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा। बी में कह रहे हैं बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स जब बोनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेम है तो उनको बोनस भी नहीं मिल सकता, तो ये ए और बी, ए और सी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दो में से कोई होगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, के ऐसी सूरत में गुडविल पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन पुराने पार्टनर्स तो सेम है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन बच रहा है, जिसमें यह होता है कि
कि नया पार्टनर कम पैसे ला रहा होता है, लेस देन बुक वैल्यू का सवाल होता है। इसमें ओल्ड पार्टनर बोनस की रकम उसको देते हैं, लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर इस बात पर रजामंद ना हो कि हम तुम्हें अपना, मैंने क्लास में जुमले याद कराए थे कि हम अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे, तो नए पार्टनर को गुडविल क्रिएट करके दी जाए। तो इसका ऑप्शन है डी बेटा। आगे आइए तमाम स्टूडेंट, फोर पे आ जाइए। फोर में बताइए तमाम स्टूडेंट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ बी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। अगर बी नया पार्टनर बन के आएगा एक्स वाई जेड की फर्म में, चौथा पार्टनर आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनरशिप टू बी डिसॉल्व। जवाब तो सही है कि जो भी उनके दरमियान पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जो आपस में शराकतदारी थी, वो हमें खत्म करनी पड़ेगी और बी को मिला के एक नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। ए ऑप्शन तो सही लग रहा है, बी भी देख लेते हैं। ओल्ड फर्म हैज टू बी डिसॉल्व, फर्म खत्म नहीं होती किसी आने से या जाने से, डिसॉल्व या लिक्विडेट नहीं होती फर्म। बोथ ओल्ड फर्म एंड पार्टनरशिप हैव टू डिसॉल्व, और कह रहे हैं दोनों को खत्म कर देंगे। फर्म तो खत्म हो ही नहीं सकती, हाँ पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। और डी में नाइदर द फर्म नॉर द पार्टनरशिप, नहीं, इसमें आपने सही कहा नंबर फोर में, ऑप्शन ए सही है कि जब कोई नया बंदा आता है तो ओल्ड पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाता है। पहले वो प्रॉफिट बांट रहे थे जैसे 3-2-1, अब जब नया बंदा आ जाएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ तो शेयर मिलेगा, तो जब नया शेयर मिलेगा तो एक नई पार्टनरशिप बनेगी, नए रेशियोज बनेंगे, तो पुरानी पार्टनरशिप को हमें डिसॉल्व करना, बिल्कुल सही। नंबर फाइव, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड अंडर द बोनस मेथड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बाय, कह रहा है जब नई पार्टनर एडमिट होगा बोनस मेथड में, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बाय, नया पार्टनर जब एडमिट होगा बोनस मेथड के तहत, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किससे बढ़ेगा। चार ऑप्शन है, न्यू इन्वेस्टमेंट से, लेस देन न्यू इन्वेस्टमेंट, जीरो, मोर देन न्यू इन्वेस्टमेंट। आपको याद हो बोनस में एक सेंटेंस याद कराया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज ओनली बाय द न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। किसी भी फर्म का टोटल कैपिटल बढ़ेगा सिर्फ उतने से बढ़ेगा जितना नया बंदा लाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। जी हाँ आपने सही कहा, इसमें न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इसमें न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, बिल्कुल सही। आगे आइए बेटा नंबर सिक्स, ए एंड बी पार्टनर्स कैपिटल 1:20, 1:80, सी एडमिटेड 1/2 इंटरेस्ट। बताइए ओल्ड फर्म चला रहे थे, 1,20,000 और 1,80,000 ओल्ड का था, अगर मैं 1:20 और 1:80 को ऐड कर दूं तो क्या ये 3,00,000 बन जाएगा। 3,00,000 रुपए थे ओल्ड के और सी न्यू आ रहा है और वो कह रहा है मैं फर्म में आधा का मालिक होऊंगा, आधा का मालिक मैं होऊंगा, आधे के मालिक बाकी ए और बी होंगे, तो बताएं सी कितना लाएगा। अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं, 1,20,000, 1,80,000 को जमा करते हैं और उसका 1/2 लेते हैं और 1,50,000 को टिक कर देते हैं। ये जवाब गलत है क्योंकि वो कह रहा है पूरी फर्म का। अब एक बात बताएं, पूरी फर्म का कैपिटल 3,00,000 है और 3,00,000 में अगर मुझे नया बंदा 1/2 ला रहा है तो 2/1 कर दें तो पूरी फर्म का कैपिटल 6,00,000 मिल जाएगा, कि पूरी फर्म का कैपिटल 6,00,000 हो जाएगा। और 6,00,000 में से अगर 3,00,000 ओल्ड के हैं तो बताओ 6,00,000 का 1/2 नया पार्टनर कितने लाएगा, 3,00,000। तो अक्सर बच्चे ये वाले एमसीक्यू में गलती कर देते। तो बताइए मेरे बच्चों, बताइए आपको इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 3,00,000 लाएगा। सेवन,
सेवन बेटा बेटा नंबर सेवन में बताइए, नंबर सेवन में बताइए, व्हेन कैपिटल ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड विद हिज और हर एंटायर इन्वेस्टमेंट, देन दिस इज वुड बी सिचुएशन ऑफ नया पार्टनर जितना लाएगा उसका पार्टनर चाहे वो ज्यादा लाए या कम लाए, उसका पार्टनर का कैपिटल अगर हम क्रेडिट कर दें उसी रकम से। ये किस मेथड में मैंने याद कराया था आप? जी हाँ, मैंने याद कराया था इसको आपको गुडविल मोर देन में। गुडविल मोर देन की पहचान मैंने करवाई थी आपको, याद हो क्लास में, कि न्यू पार्टनर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, और जबकि लेस देन गुडविल की पहचान मैंने कराई थी, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। तो प्यारे बच्चों, इसका कौन सा जवाब सही लग रहा है आप? जी हाँ, ऐसा गुडविल में होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका बी, नंबर एट। इफ ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू रिड्यूस देयर, लो मैंने अभी बात ही की थी ऊपर कि ओल्ड पार्टनर्स इस बात पर रजामंद नहीं है कि अपना कैपिटल कम करेंगे, लेस देन बुक वैल्यू का सवाल होता है गुडविल का, ठीक है। ऐसी सूरत में बताइए गुडविल किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू रिड्यूस देयर कैपिटल। जी हाँ बच्चों, ऐसी सूरत में गुडविल न्यू पार्टनर को मिल रही होती, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं हम देंगे नहीं कैपिटल में से, तो फिर मैं गुडविल क्रिएट करके देनी पड़ेगी हमें उसे। नंबर टेन, ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस, लेटर ऑन मिस्टर सी वाज एडमिटेड एज ए इक्वल पार्टनर। पूरी क्लास के स्टूडेंट बताइए कि मिस्टर सी जो है वो नया पार्टनर बन के आ रहे हैं इक्वल, व्हाट विल बी द इंडिविजुअल शेयर रेशियो ऑफ मिस्टर ए एंड बी आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी? बताओ, इक्वल पार्टनर थे पहले ए और बी, पहले इनका रेशियो था 1:2, 1:2, और अब सी आ गया तो ये एक के बजाय तीन हो गए, तो बताइए अब इनका रेशियो क्या होगा? कमेंट में लिखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, इनका रेशियो 1:3 होगा बेटा। जबरदस्त जबरदस्त। 11 आई है, 11 में बताएं बच्चों, तमाम बच्चों, व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन बट हिज और हर शेयर रेशियो इज गिवन, देन वन ऑफ द मेथड विल बी यूज इन केस ऑफ एडमिशन। एक मेथड ऐसा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिशन के लिए इनका कैपिटल मालूम करने। तो क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए वो कौन सा मेथड होता है? जी हाँ, जिसमें पैसा गिवन नहीं होता, पैसा खुद निकालना होता है। रिवर्स करके पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की मदद से, फिर जो टोटल कैपिटल आता है उस पे न्यू पार्टनर का रेशियो लगाते हैं, पता चल जाता है। ऐसे मेथड को कमेंट में लिखिए, कौन सा नंबर कहेंगे, ए बी सी डी? जी हाँ, सफिशिएंट ऑफ कैश में, शाबाश बेटा। नंबर 12, गुडविल क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है या इनटेंजिबल एसेट होता है? बताओ ऑप्शन में कौन सा सही है? गुडविल हमारा कौन सा एसेट होता है बच्चों, बार बार पढ़ाया है? जी हाँ, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आगे आइए, नंबर 13, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन सेम, एडमिशन के वक्त ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो सेम हो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रेशियो कह रहा हूं, कैपिटल सेम हो। ये किसमें हो कि एडमिशन के वक्त ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को न छेड़ा जाए? प्यारे बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी एमसीक्यू पर डिस्कस करके गया हूं, एग्जामिनर ने इसको जरा घुमा के पूछा है अब कि भाई जी हाँ, गुडविल टू न्यू पार्टनर, जब गुडविल नए पार्टनर को मिलती है तो हमें पैसे ज्यादा देने होते हैं पार्टनर के कैपिटल में, ज्यादा
तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अगर सेम रहे तो क्या चीज क्रिएट करके न्यू को दी जाती है? गुडविल। शाबाश। आगे आओ, नंबर 14, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले हमें कोई भी गेन और लॉस हो असासों के रिवैल्यूएशन पर, उसके आने से पहले इस नुकसान या फायदे को कौन शेयर करेगा? आने के बाद सब शेयर करेंगे या सिर्फ ओल्ड? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? तो जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रांसफर टू द ए आंसर है इसका, टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बेहतरीन बेहतरीन। मिस्टर ए इज एडमिटेड बाय परचेजिंग 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ बी, दिस मेथड इज कॉल्ड। बेटा, आने वाला पुराने वालों से उसका हिस्सा खरीद ले, 1/3 कैपिटल ऑफ बी, ये कौन सा है? ए इज एडमिटेड बाय परचेजिंग 1, बी एक पुराना पार्टनर था एक्वाइज एक्ट, ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? कमेंट्स में लिखिए। जी हाँ, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। जबरदस्त जबरदस्त। ओल्ड पार्टनर डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल, ऊपर पढ़ के गए कौन से मेथड में ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम करने को तैयार नहीं होते। शाबाश, गुडविल मेथड। बेटा, ये जितने पास पेपर में घुमा घुमा के एग्जामिनर ने पूछा है उस तमाम मैंने जमा कर लिए हैं, कुछ अपने बना लिए हैं, तो इंशाल्लाह कितने हैं ये एमसीक्यूज, 28 एमसीक्यूज कर लो इंशाल्लाह, एमसी एडमिशन से इससे बाहर नहीं पूछ सकता वो तुमसे। आगे चलो बच्चों, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर व्हेन ओल्ड पार्टनर एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, इट मींस एडमिशन के वक्त ओल्ड पार्टनर एग्री हैं कि अपने कैपिटल को कम कर लेंगे। बताओ बच्चों, ओल्ड पार्टनर इस बात पे रजामंद हो कि हम अपना कैपिटल कम कर लेंगे तो बताएं, ये गुडविल तो नहीं हो सकता। इसमें जवाब या तो सी है या डी, बोनस टू ओल्ड पार्टनर है या बोनस टू न्यू। जी हाँ, बोनस डी। शाबाश, क्योंकि जब बोनस न्यू को मिलेगा तभी तो ओल्ड से लेंगे बच्चों। शाबाश शाबाश, जिंदाबाद। 19, रिवैल्यूएशन मींस, एग्जामिनर कह रहा है भाई बताओ रिवैल्यूएशन के मायने क्या हैं। प्यारे बच्चों, क्या मायने है रिवैल्यूएशन के? क्या सिर्फ एसेट्स को रिवैल्यूएट करो, लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करो, या इक्विटी? इक्विटी तो रिवैल्यूएट होती नहीं है, क्योंकि जो इक्विटी होती है वही हमारे एसेट्स होते हैं बुनियादी तौर पर। तो बताइए, डी ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। शाबाश, कि जब भी रिवैल्यूएट होगा तो रिवैल्यूएशन मीन सिर्फ एसेट या सिर्फ लायबिलिटी नहीं है, बल्कि दोनों है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जबरदस्त बच्चों, आगे चलो। दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट, फिर घुमा के पूछा एग्जामिनर। ऑटोमोबाइल टेंजिबल है, टूल टेंजिबल है। शाबाश, गुडविल इनटेंजिबल है और फर्नीचर भी टेंजिबल है। द एंटायर अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल, नया एमसीक्यू, द एंटायर अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय, जितना लाएगा किसी को नहीं देंगे उसी का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। ये किस मेथड की बच्चों ये हिंट्स है? गुडविल मेथड। शाबाश, तुम लोग तो छा गए भाई, छा गए। आगे आओ, कमेंट में लिख रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी गुड बेटा। 22 पे आइए, इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अमेंडेड, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिमेन द सेम, द नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज, नन ऑफ दीस। बेटा, ए और बी में से कोई एक जवाब है, बताओ। क्या जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या पार्टनरशिप वही रहती है या पार्टनरशिप को चेंज करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये पहला ऑप्शन सही है कि पार्टनरशिप चेंज होती है, फर्म में कोई पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, अमेंडमेंट होके नया एग्रीमेंट बनता है, नया एग्रीमेंट साइन होता है। आगे आओ बच्चों,
गुडविल मीन्स, गुडविल क्या है? प्यारे बच्चों, हमने गुडविल आपको बताया क्या है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा कहना नहीं चाहता, ये वीडियो कोई पेपर बनाने वाले देखते हैं तो ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार आप वीडियो में ऐसी बात कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन है कि गुडविल क्या है, क्या कोई कैसेट है? जी नहीं। अब देखिए, ये बी और सी दोनों के अंदर गुडविल को शो किया जाता है। फिक्स एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट, इनटैंजिबल एंड टैंजिबल। ठीक है, तो ये टैंजिबल और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं, तो गुडविल उसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, इसका जवाब। लेकिन जिन्होंने पेपर बनाया है या जो पास पेपर में इसके जवाब बोर्ड ने शो किए हैं, उसमें क्योंकि इसका जवाब सी भी है, क्योंकि गुडविल तो टोटल एसेट्स के अंदर भी आएगा और फिक्स एसेट टोटल एसेट्स के अंदर आएगा, मजबूरी है बेटा, बर्दाश्त करो, सी सही है इसका जवाब। चलें, रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ द एसेट विल बी डिवाइडेड टू, किस में बांटेंगे रीवैल्यूएशन के लॉस को? प्यारे बच्चों, अभी अभी तय हुआ कि नए पार्टनर के आने से पहले रीवैल्यूएशन को पुराने पार्टनर आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो लायबिलिटी ए गलत, बी गलत, डी गलत। पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ एसेट्स विल बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस को क्रेडिट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आफ्टर 24 अब हम शुरू करेंगे 25। 25 शुरू करने के लिए बच्चों आप एक बार बताइए, 25 में क्या लिखा हुआ है बेटा? ए बी आर पार्टनर्स विद द इक्विटी ऑफ 1:2। बताइए, ए और बी मालिक है 1:2 के। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी 1/4 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल, द इक्विटी रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी विल बी। बताएं, उसके आने के बाद अब क्या रेशियो होगा? अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे। वो कह रहा है कुल कारोबार के चार हिस्से कर दो। कुल कारोबार के कितने हिस्से कर दो? चार। चार में से ए बी सी, ए का हिस्सा होगा, सी का हिस्सा होगा 1/4। बेटा, अगर सी का हिस्सा 1/4 होगा तो इन दोनों के हिस्से 3/4 होंगे। ठीक है, यानी कुल कारोबार के चार हिस्से हो गए और चार हिस्सों में 1/4 सी का है, तो बाकी दो का 3/4 होगा, बाकी तीन का कितना होगा? 3/4। तो बताइए, 1/4 तो न्यू का हो गया और बाकी का 4 में से 1 निकाल दें, 3/4। अच्छा, इस सिलसिले में देखें आप, पुराना रेशियो क्या था? पुराना रेशियो था 1:2। तो क्या पहले ए और बी का रेशियो था 1:2? 1:2 बोले तो 1/3, 2/3। अब बस सिंपल आप ये करें कि ए का 3/4 में से 1/3 निकाल लें और बी का 3/4 में से 2/3 निकाल लें। ये 3/4 ने, तो ये 3 और 3 कैंसिल, 1/4 बचा, 3 और 3 कैंसिल, 2/4 बचा। तो इसका मकसद बेटा, 1/4 सी का अगर होगा तो दो नए पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर हैं उनमें अगर हम देखें तो उनका रेशियो अब 1/4 और 2/4 होगा, 1/4 और 2/4। अब देखिए, तीनों के नीचे जो 4 आ गए, अगर हम इन्हें हटा दें तो 1:2:1। तो बच्चों चेक करें क्या कोई ऑप्शन मौजूद है 1:2:1, यानी इसका सही आंसर है बच्चों डी। शाबाश। नंबर 26 पे आइए बेटा 26 में चेक करें। इन केस ऑफ एडमिशन अंडर द बोनस मेथड, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अमाउंट
ये दोबारा आ गया कि एडमिशन बोनस मेथड में टोटल कैपिटल फर्म का किससे बढ़ता है, इक्वल टू किससे बढ़ता है। मैंने ऊपर आ चुका है कि न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, तो जितना नया पार्टनर लाएगा उतने से। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए आपको नंबर 26 एमसीक्यू का कौन सा आंसर प्यारे बच्चों आपको ठीक लग रहा है, कमेंट में लिखिए बेटा, कमेंट में लिखिए। क्लास के तमाम स्टूडेंट कमेंट में लिखिए कि कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है बेटा, प्लीज जवाब बताएं बेटा, कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है। जी हाँ, इसका सही आंसर है इक्वल टू न्यू इन्वेस्टमेंट, जितने से नई इन्वेस्टमेंट आएगी उतने से बढ़ेगा। 27 एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रिमेन द सेम, रिपीट हो गया ये, ऐसी ऊपर भी आ चुका था फिर रिपीट हो गया, सीधा सीधा इसका जवाब गुडविल टू न्यू पार्टनर। आखिरी ऑप्शन, इफ ए इज एडमिटेड बाय परचेजिंग 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ बी, दिस इज मेथड, ये भी रिपीट हो गया। अगर ए आने वाला बी से खरीदेगा तो दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा। ये पार्टनरशिप एडमिशन हमारा कंप्लीट हुआ। आप सबको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा बेटा। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।